Hello everyone, welcome to Fit Tak. I am Dr. Vinish Mathur. I am a director of spine surgery at Medanta the Medicity. आज का मेरा आपसे बात करने का मकसद है कि मैं आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक जो मेरा एक इंटरेस्ट का टॉपिक है वो है स्पाइनल डिफॉर्मिटी या चेंज इन स्पाइनल कर्वेचर, इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ और कुछ एडवाइस दूँ आपको। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि नॉर्मल स्पाइन क्या होती है, तो इसमें सबसे पहले जो है ऊपर एक सर्वाइकल कर्वेचर आता है, यानी गर्दन जो है वो आगे की तरफ होती है और फिर एक चेस्ट के पीछे थोड़ा सा कनकेव हो जाती है, पेट के आगे फिर से थोड़ी आगे आती है और लास्ट में नीचे की तरफ जो है फिर से ये कनकेव हो जाती है यहाँ पे पेल्विस को अकोमोडेट करने के लिए। तो जब आप नॉर्मली खड़े होते हैं या बैठते हैं तो आप जो सिर होता है उसका पार्ट जो है, सिर का जो बेस है और जो सेक्रम है, जो लोएस्ट पार्ट है स्पाइन, ये एक लाइन में आ जाता है और इसको स्पाइनल एक्सिस कहते हैं। इससे अगर आपको कोई भी डिविएशन होता है तो वो एक डिफॉर्मिटी में आ जाता है। ये एक माइनर सा डिविएशन हो सकता है या मेजर हो सकता है। तो माइनर डिविएशन तो पोस्चुरल प्रॉब्लम से होता है, कभी कभी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम से होता है, मस्कुलर इम्बैलेंस से होता है। आजकल ज़्यादातर लोग एक्सरसाइज नहीं करते रहते हैं, एक पोजिशन में बैठे रहते हैं, तो छोटा मोटा टेढ़ापन जो होता है वो तो बहुत कॉमन होता है। उसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ज़रूर आपको थोड़ी डिसेबिलिटी देता है, बैक पेन, बैक स्पाज़म, नेक पेन, हेडेक, पुअर बैलेंस, ये सब देता है। लेकिन हम जिस चीज़ से चिंतित होते हैं एज सर्जन्स इज़ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी। अब ये कमर जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा मुड़ जाती है, अगर आगे की तरफ इस तरह से झुक जाती है तो इसको काइफोसिस कहते हैं, या अगर साइड टू साइड झुक जाते हैं तो इसको स्कोलियोसिस कहते हैं। और ज़्यादातर जो डिफॉर्मिटी होती है वो इनका कॉम्बिनेशन होती है, यानी काइफोस्कोलियोसिस होती है। तो ये झुकाव जो होता है कई बार तो बिना किसी अपेरेंट रीज़न के आता है, यानी इसको इडियोपैथिक कहते हैं। बल्क ऑफ केसेस जो बच्चों में दिखते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। जो दूसरे कारण होते हैं वो तब होते हैं जब वर्टिब्रा मालफॉर्म्ड होते हैं, यानी बचपन से मालफॉर्म्ड होते हैं, उनको कंजेनिटल स्कोलियोसिस या कंजेनिटल काइफोसिस कहते हैं, जो जन्म से होता है। कोई भी ह्यूमन बीइंग जिसकी स्पाइन डेवलप होती है वो बड़ा नाजुक कंडीशन में होता है, और उस उम्र में कोई भी डैमेज, इंसल्ट, इंजरी, मेडिकेशन, कभी कभी बचपन में इन यूटरो भी जो है मदर को कोई रेडिएशन या दवा मिलती है तो बच्चे के अंदर ही मालफॉर्मेशंस हो जाते हैं, जिससे कमर में टेढ़ापन आ जाता है। इरेगुलर वेयर एंड टेयर, एजिंग, कैंसर्स, ट्यूमर्स, इन्फेक्शन, ये सारी जो है वो स्पाइन डिफॉर्मिटी कॉज करने का पोटेंशियल रखती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें इस चीज़ का अवेयरनेस होनी चाहिए। पर्टिकुलरली जो गर्ल्स होती हैं वो 9 से 13 की एज ग्रुप में अंदर ज़्यादा ससेप्टिबल होती हैं अपने आप ही डिफॉर्मिटी डेवलप करने, इसको इडियोपैथिक स्कोलियोसिस कहते हैं। तो इस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। इनफैक्ट वेस्ट के अंदर जो है ज़्यादातर स्कूल्स में एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है टू स्क्रीन गर्ल्स फॉर डिफॉर्मिटी एट दिस एज। ट्रॉमा कैन ऑल्सो कॉज इशूज इन कर्वेचर बिकॉज इट कैन कॉज फ्रैक्चर्स, इट कैन कॉज डैमेज टू द जॉइंट्स, इट कैन कॉज मसल स्पैज्म एंड इट कैन कॉज डिफॉर्मिटीज टू द स्पाइन। सो लाइक आई सेड, ट्रॉमा, ट्यूबरक्लोसिस एंड ट्यूमर्स आर द 3 T's दैट आर द सेकेंडरी कॉजेज फॉर अ स्पाइनल डिफॉर्मिटी। वेल, वी हैव टू लुक एट वेदर स्पाइनल कर्वेचर्स नीड टू बी करेक्टेड। सो माइनर डिग्रीज ऑफ डिफॉर्मिटी लाइक आई सेड, एंड द बेंचमार्क हियर इज अ रफ वेरिएशन ऑफ अबाउट 20 degrees। सो 0 to 20 degrees का वेरिएशन जो होता है, अगर प्रोग्रेसिव नहीं होता है तो वो कंजर्वेटिवली ट्रीट किया जा सकता है, ब्रेसेस यानी बाहर के बेल्ट्स वगैरह से या एक्सरसाइजेस से उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर टेढ़ी हो जाती है इस तरह से तो ऑपरेशन करके जो है इनके जोड़ ढीले किए जाते हैं, और उसके बाद जो है इन हड्डियों के अंदर सलाखें डाल के या सुइयां डाल के इसमें इम्प्लांट्स डाले जाते हैं और फिर ग्रेजुअली इसको स्ट्रेच करके सीधा किया जाता है। ये ऑपरेशन पहले बड़े ख़तरनाक माने जाते थे, क्योंकि स्पाइन के अंदर याद रखिए कि एक स्पाइनल कॉर्ड आता है जो नसें होती हैं पैर की तरफ जाते हैं, और इस डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के चक्कर में स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज होने के चांसेस होते हैं जिससे पैरालिसिस होता है। लेकिन आजकल अच्छी इमेजिंग, नेविगेशन और न्यूरो मॉनिटरिंग, ये 3 चीज़ हैं जिसकी वजह से ये ऑपरेशन जो है कंपेरेटिवली ईजी हो गया है। ध्यान रखें कि मैंने कंपेरेटिवली वर्ड यूज़ किया है, ये हर आदमी का काम नहीं है, हर सर्जन का काम नहीं है,
सिर्फ स्पेशलाइज सेंटर्स में डिफॉर्मिटी करेक्शन किया जाता है, लेकिन ये मुमकिन है, हर केस में नहीं है, और इसमें ज़रूर एक बारे में एक राय लेना चाहिए अगर कोई सीवियर डिफॉर्मिटी होती है या दिखती हुई बढ़ती हुई दिखती है।